तो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में आगे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था, चार्ज में कुछ टॉपिक हमने कवर किया था, आज हम उसके आगे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के कॉन्टेंट आपको मिलते रहे और वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो आज हम देखेंगे जो हमारा आवेश पढ़ रहे थे अपना चार्ज। चार्ज के अंदर हम जैसे आप जानते हो कि तीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम चौथा टॉपिक कवर करने वाले हैं, विच इज आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज को समझने के लिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम एक सोडियम और एक क्लोरीन के थ्रू हम समझेंगे कि आवेश की संकल्पना कैसे, किससे हम डिफाइन करते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 11, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 281, राइट। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 और प्रोटॉन अगर देखें तो प्रोटॉन भी होता है 11। लेकिन आप जानते हो कि ये अष्टक पूर्ण नहीं है। अगर इसका अष्टक पूर्ण हमें करना है तो जो लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन है इसको हमें किसी और को देना होगा, इसको भेजना होगा किसी और के पास। तो जब हम इस एक इलेक्ट्रॉन को कहीं भेजते हैं तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचती है, क्योंकि अभी हमारे पास कितना था, 11 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 10। लेकिन अगर प्रोटोनों की बात किया जाए तो प्रोटोन तो हमारे पास उतना ही है जितना पहले रहेगा, तो प्रोटोन हमारे पास 11 था, जो कि अभी भी हमारे पास 11 ही है। इस तरीके से अगर देखें तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूर्ण करने के लिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी और को देते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोनों की संख्या से कम हो जाती है। कितना कम है, 1। तो यहाँ पे भी सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज लगेगा। प्लस चार्ज कहने का मतलब जब हम एक दे रहे हैं, हम किसी एक को दे रहे हैं, जब दान करते हैं, अगर हम किसी एक को दान करते हैं तो ये धनावेशित होता है। अगर हम किसी को दान कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर धन आवेश का चार्ज लगाएंगे। अगर यही चीज हम किसी एक से लेते हैं, हम ग्रहण अगर करते हैं तो हम माइनस चिन्ह लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दान कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक कम है, अगर इसी तरीके से दो कम रहता तो दो प्लस चार्ज लगता, तीन कम रहता तो तीन प्लस चार्ज आता। इसी तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन कम रहते प्रोटॉन से उतना चार्जेस हम लगाते चलते। तो इस तरीके से सोडियम का एग्जांपल आप देखें, चलिए क्लोरीन का एग्जांपल देखते हैं। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगा और प्रोटॉन की संख्या भी इसमें 17 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 और प्रोटॉन की संख्या भी 17। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक 17 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब 2, 8 एंड 7, ठीक है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए आप जैसे देख सकते हो कि अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, ठीक है, तब जाके इसका अष्टक पूर्ण होगा 288, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब एक क्लोरीन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अभी इसको चाहिए। तो अब क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, पहले 17 था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ने ले लिया तो अब इसके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन ना तो किसी को दिया है और ना ही किसी से लिया है, तो हमारे प्रोटोनों की संख्या जितना था उतना ही रहेगा, 17, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटोन की संख्या से एक बढ़ गया, ठीक है। तो बढ़ गया मतलब माइनस चार्ज ज्यादा हुआ, तो हम एक माइनस चार्ज यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि एक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से एक ज्यादा है, इसलिए हम एक माइनस चार्ज लगाए। अगर दो ज्यादा रहता तो दो माइनस चार्ज लगाते। इसी तरीके से जितना भी हम ग्रहण करेंगे, राइट, अगर हम ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन, अगर हम ग्रहण करते हैं तो ऋणावेशित चार्ज लगेगा, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो हमारे पास धनावेशित चार्ज लगता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो हमारे पास ऋणावेशित चार्ज लगता है। आई होप ये समझ में आया होगा आवेश की संकल्पना। तो मेनली अगर देखा जाए तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन पर आधारित होता है, हम इलेक्ट्रॉन को आधारित करते हैं न कि प्रोटॉन को, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन पर आधारित जो आवेश की संकल्पना है उसको हम इलेक्ट्रॉन
के बेसिस पे पढ़ते हैं ना कि प्रोटॉन के बेसिस पे। तो यहां से आप एक क्वेश्चन अच्छा बना सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो हमारा क्वेश्चन है कि आवेश का जो संकल्पना हम करते हैं, ठीक है, आवेश की संकल्पना, मैंने बताया था अभी आपको कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर, प्रोटॉन के बेसिस पर क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं की जाती है, ठीक है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती है, इससे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे की जाती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटॉन पे क्यों नहीं की जाती। तो प्रोटॉन मेनली अगर देखा जाए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो दोनों एक चार्जेस हैं, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चार्जेस हैं जिसपे नाभिकीय बल कार्य करता है, ठीक है, जिसपे नाभिकीय बल कार्य करता है। लेकिन अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान का अगर बात किया जाए, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास होता है 1837 एंड इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। सो इतने ज्यादा द्रव्यमान को किसी और को देना या किसी और से लेना, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का लगता है, इसलिए हम प्रोटॉन का यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का यूज हम करते हैं, क्योंकि इसे किसी और को देना या फिर किसी और से लेना ये इज कम्पेयर टू इजी पड़ता है, ठीक है, प्रोटॉन के कंपेयर टू इजी पड़ता है इलेक्ट्रॉन को दान करना या ग्रहण करना, इसलिए हम जो आवेश की संकल्पना होती है प्रोटॉन के आधार पर नहीं करते हुए इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेश का मात्रक। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आवेश का मात्रक। तो आपने कक्षा टेंथ में ही पढ़ा था कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, ये कहां से आया, क्लास टेंथ से आप जानते हो कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, धारा इज इक्वल टू आवेश बटा में समय, ठीक है। तो आवेश का जब हम मात्रक निकालते हैं, तो सबसे पहले हम अगर SI मात्रक देखें तो SI मात्रक में हो जाएगा, यहां से अगर हम आवेश का वैल्यू अगर निकालते हैं तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो I इंटू टी। सो अगर SI मात्रक हम देखते हैं तो करंट का SI मात्रक होता है एम्पियर और समय का सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा SI मात्रक हो गया एम्पियर सेकंड आवेश का, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कूलाम, ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्पियर सेकंड को ही कूलाम बोलते हैं। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का तो वहां से हम देखेंगे कूलाम। कूलाम से भी अगर देखा जाए और छोटा अगर मात्रक देखें तो एक होता है स्टेट कूलाम, ठीक है, स्टेट कूलाम होता है। कूलाम से भी और अगर छोटा मात्रक देखे तो स्टेट कूलाम होता है। चलिए SI मात्रक हमने देख लिया, अगर CGS मात्रक देखा जाए तो CGS मात्रक होता है स्टेट कूलाम, जो कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे स्टेट कूलाम CGS मान लेते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁹ स्टेट कूलाम। जितना भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, जैसे ये फॉर्मूला, ये मात्रक, ये सब आप याद रखना, क्यों जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको इस ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो चलिए एक कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁹ स्टेट कूलाम। अगर यहीं पे एक और होता है जैसे EMU, ठीक है, हमने क्या क्या देखा, SI मात्रक हम निकाल चुके हैं, CGS मात्रक निकाल चुके हैं, अब हम EMU देखेंगे। तो EMU में होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 EMU, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एक और वैल्यू मैं बताता हूँ, फेरड, ठीक है, एक फेरड होता है जो कि सबसे छोटा मात्रक होता है, तो 1 फेरड इज इक्वल टू 96500 कूलाम। तो जितने भी डब्बे में मैंने बताया है ये सब आप याद रखना, जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये वैल्यू आपको पुट करने होंगे। सो ये रहा हमारा कुछ आवेश के मात्रक, विशेष मात्रक है, इसके कुछ अन्य मात्रक भी हैं, चलिए उसको देखते हैं कि कौन कौन सा और अन्य मात्रक को हम देख सकते हैं। इसके अन्य मात्रक में हम जो पढ़ते हैं, पहला ये होता है माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम और मिली कूलाम, ठीक है, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम और मिली कूलाम,
ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होता है माइक्रो कूलाम के लिए हम लेते हैं 10^-6 कूलाम, नैनो के लिए लेते हैं 10^-9 कूलाम, पीको के लिए लेते हैं 10^-12 कूलाम एंड मिली के लिए लेते हैं 10^-3 कूलाम। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसी रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके मात्रक को, ठीक है। तो चलिए एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, एक टॉपिक और बचता है चार्ज में, उसके बाद चार्ज का हमारा लास्ट टॉपिक। चलिए तो आवेश टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक सब टॉपिक बोल सकते हैं, जो कि आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर एक एग्जाम में लगभग एक दो नंबर का ही जाता है, तो आप इसे अच्छे से समझना। और इसको समझने से पहले मैं एक और टॉपिक बताना चाहता हूं, बीजगणित का जो आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो आवेश का है वो चिन्ह के साथ जुड़ता है। जैसे अगर Q1 का वैल्यू हमारे पास -2 है और Q2 का वैल्यू हमारे पास 6 है, ठीक है। Q1 का वैल्यू हमारे पास -2 है और Q2 का वैल्यू 6 है, तो अगर हम Q1+Q2 को अगर जोड़े तो हो जाएगा -2+6=4। मतलब कि जैसे हम बीजगणित का योग करते हैं, जैसे जोड़ घटाव करते हैं, उसी तरीके से आवेश का भी जो योग होता है वो बीजगणितीय योग होता है। तो चलिए इसके बाद हम क्वांटमीकरण को समझते हैं कि क्या होता है क्वांटमीकरण। चलिए तो अब हम आवेश का क्वांटमीकरण को समझेंगे। क्वांटमीकरण को समझने से पहले हम कुछ उदाहरण आपको देते हैं। जैसे यदि हम बाजार में जाते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, राइट, जब हम मोबाइल खरीदने के लिए किसी मार्केट में जाते हैं, किसी दुकान में, शॉप में जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भैया एक मोबाइल देना, भैया दो मोबाइल देना, या फिर अगर हम चार दोस्त जाते हैं तो भैया चार मोबाइल दिखाना, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम ऐसे क्या बोले क्या कि भैया 1.2 मोबाइल दिखाना, भैया 1.7 मोबाइल दिखाना, भैया 2.3 मोबाइल दिखाना, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मोबाइल का जो क्वांटिटी है वो केवल हम 1, 2, 3, 4 इसी रेशियो में हम उससे मांग सकते हैं या फिर वो हमें दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वांटमीकरण को भी हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम घर में रोटी की बात करें तो हम ऐसा नहीं है कि एक ही रोटी केवल खाएंगे, हम डेढ़ रोटी भी खा सकते हैं, हम सवा रोटी भी खा सकते हैं, हम ढाई रोटी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल की बात करें तो उसमें हम केवल एक क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो 1, 2, 3, 4 के रेशियो में ही हम केवल ले सकते हैं। तो उसी तरीके से जो क्वांटमी आवेश का क्वांटमीकरण होता है, बेसिकली आवेश क्या होता है, एक चार्ज है, मैंने आपको बताया था। तो जब भी आवेश या तो ग्रहण होता है या तो फिर आवेश को हम किसी को देते हैं या तो फिर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम आवेश को लेंगे तो केवल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के रेशियो में हम यहाँ पे आवेश को लेंगे। लेकिन अगर किसी को हम आवेश देते हैं, ठीक है, आवेश भी हम अगर किसी को देते हैं तो यहाँ भी हम पूर्ण संख्या के रूप में ही उसको देंगे, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम आवेश के क्वांटमीकरण में, जब भी हम आवेश को या तो ग्रहण करेंगे या तो फिर दान करेंगे, तो हम एक पूर्ण संख्या के रूप में ही उसे लेंगे या फिर ग्रहण करेंगे या फिर दान करेंगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1.2, 1.3, 1.7 इस तरीके से हम न ले सकते और न ही दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो आदान प्रदान रहेगा वो इस तरीके से रहता है। अगर यहीं पे चार्जेस देखा जाए इलेक्ट्रॉन का, अगर हम चार्ज तो क्यू अगर इलेक्ट्रॉन का देखे तो होता है -1.6×10^-19 कूलाम, एंड अगर प्रोटॉन का देखा जाए तो प्लस में हो जाएगा 1.6×10^-19 कूलाम, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक पूर्ण स्थानांतरित जब होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है, तो हम बोल सकते हैं कि आवेश का जो वैल्यू होता है, आवेश इज इक्वल टू +-N×, हम बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो आवेश की संकल्पना होती है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर होती है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। तो हम इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे या फिर प्रोटॉन का भी मान रखो तो वही वैल्यू आ जाता है, तो 1.6×10^-19, ठीक है। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, +-N, और ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आवेश का फॉर्मूला आ गया, Q=+-NE। इस फॉर्मूला को आप नोट करके रखेंगे, जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे इसका यूजेस आपको देखने को मिलेगा,
तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो Q का वैल्यू है, Q को आवेश बोलते हैं, आप नीचे लिख सकते हो Q को आवेश बोलते हैं। N जो है स्थानांतरित पूर्ण संख्या और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारा आवेश का जो आवेश का क्वांटमीकरण था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे, रिवाइंड करा दूं, पहले चैप्टर में हम पहला पार्ट आवेश पढ़ रहे थे जो कि इस यहाँ तक समाप्त होता है। इसके बाद आगे हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूले और प्लीज लाइक इट।